हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज ब्रिज। माई सेल्फ संजय राठी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग बीजेटी एंड देन बाय यूजिंग एफईटी। और एक है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑसिलेटर, हाईली स्टेबल, एंड व्हाट इज द नेम? तो चलिए आप भी गेस कर सकते हैं, दैट इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर का इक्विवेलेंट सर्किट, राइट? अब ध्यान दीजिए, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेटेज बहुत ही लगेगा कि आपको ये पता नहीं आते हैं या नहीं आते, राइट? लेकिन यही टॉपिक्स आपके मेरिट डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको किसी एग्जाम में टॉप करना है, सिंपली क्वालिफाई करना है तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। तो उसमें ही है, ये है ऑसिलेटर, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो, गेट। अब ब्रांच की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, तीनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? अब मैं इस टॉपिक में आपके पास लेकर आ रहा हूं कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स, राइट? क्रिस्टल ऑसिलेटर का हर कोई इक्विवेलेंट डायग्राम तो आपको बता देगा, उसमें हमें क्या केयर करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टीम में है आशू जंगड़े सर फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, अपूर्व मित्तल सर फॉर सिविल, मारुत तिवारी सर फॉर मैकेनिकल ब्रांच, रुचिन तेजावत सर फॉर सिविल एंड गौरव बाबू सर फॉर मैकेनिकल ब्रांच, एंड माई सेल्फ संजय राठी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ठीक, तो होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत सभी एग्जाम आसपास हैं, ठीक है ना? कल मैंने एक वीडियो लॉन्च किया है जिस पर हमने बताया है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिनों का इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है और कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है। तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आरसी फेज शिफ्ट विद बीजेटी एंड एफईटी एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो आज के एजेंडा ये है और इसमें हमें करनी है मास्टरी, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएं वो आपसे बनना चाहिए। देन ये है, देखिए ये है एफईटी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेस शिफ्ट तो अभी भी आरसी सर्किट दे रहा है, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था आपको आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आपने शायद वो देखा होगा और बनाया होगा, राइट? वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आया तो सीधा बनेगा। जैसे लास्ट टाइम गेट में आया था विन ब्रिज ऑसिलेटर पर, इट इज इन अ सिलेबस, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस पर हमें ध्यान देना है, मैं आपको समझाऊंगा सर्किट कैसे वर्क करता है, फिर हम देखेंगे बीजेटी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, राइट? मींस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग बीजेटी। तो यहां देखिए आपको बीजेटी लगा हुआ है, यहां पे सी आर सी आर, ये कहां जा रहा है, क्यों ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है, हर बात हम समझेंगे, राइट? तो ये है, और इसका व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, राइट? अगर आपको भी पता हो तो अभी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जब तक मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद ये हम बनाएंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर, और क्रिस्टल ऑसिलेटर पर ये है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, राइट? तो मैंने एक बार कहा था आपको कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी चाहिए, राइट? आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते टेक्स्ट बुक? अब तो काफी कुछ यूट्यूब में अवेलेबल हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, राइट? तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक हाथ में आती है या नहीं आती, इस पर डाउट आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, दैट इज फ्रॉम मिलमैन हेल्कियस, और मैंने कहा था ना मिलमैन हेल्कियस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ है, ओके? तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, और उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जितनी भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस होती है आपकी, लेकिन इन सब टेस्ट सीरीज का बेस अगर कोई अच्छा टीचर बना रहा है तो
तो डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करता है, चाहे वो मिलमैन हल्कियास हो, चाहे वो सेड्रैन स्मिथ हो, चाहे नेटवर्क में आपकी वैन वेल्केनबर्ग हो, साडी क्यू हो एंड सो ऑन, जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उन सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आप वन ईयर का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो चलो ठीक है, आप अगर थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर, आप गेट 2021 पर फोकस कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2021, या सिविल सर्विसेज एग्जाम बाय चूजिंग द सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ध्यान दीजिएगा आपको इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ही होगा, राइट। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप पढ़ेंगे और एक बार आपको समझ में आने लग गया राइट, तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है वहीं से एक क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसे। देन चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अबाउट मी, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, जब तक आपको जो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसको सॉल्व कीजिए, हम इसका आंसर लेकर आने वाले हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो सॉल्व कीजिए, गेट में एज इट इज उठकर आ सकता है, इसरो में आ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और आंसर दीजिए, राइट। तो जब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। Myself, Sanjay Rathi, I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, Engineering Services, PSUs, ISRO, DRDO, okay? अभी तो कोल इंडिया का भी एग्जाम आया हुआ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो SSC, JEE या जितने भी जूनियर लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, उनके आप ऑब्जेक्टिव बहुत ही आराम से बना लेंगे। थोड़ा अपना डेप्थ में पढ़ाई करो, ठीक है ना। आजकल क्या है ना, जो नीचे भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वो सभी इंजीनियर्स ही दे रहे हैं। इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आपने अपना एक लेवल मेंटेन नहीं किया तो आप उन एग्जाम्स को भी निकाल नहीं पाओगे। तो कम से कम इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव बनाइए, वो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, राइट। एंड आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। अब मॉर्निंग में रोज एनालॉग की क्लास आ रही है, और भी अब नए सब्जेक्ट्स आएंगे, उन्हें आप रेगुलर अटेंड कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, राइट। और अपना बेस मजबूत करने के बाद बिल्कुल तैयारी पर भिड़ जाइए। देन इवनिंग में भी रोज क्लासेस आ रही है, अभी चल रहा है कैप्सूल कोर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर गेट, राइट, क्योंकि उसके बाद आपका गेट के एग्जाम्स है, उसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए नए कंसेप्ट समझेंगे, और साथ में हम लोग बनाएंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। नॉर्मली क्या होता है, टेक्स्ट बुक सभी बोलते हैं कि मिलमैन हल्कियास पढ़ो, वैन वेल्केनबर्ग पढ़ो, साडिकू पढ़ो एंड सो ऑन, लेकिन नॉर्मली क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मैं यहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा फ्रॉम मिलमैन हल्कियास, वैन वेल्केनबर्ग, साडिकू, राइट, नागराथ एंड गोपाल, को की बुक है, वेरियस सब्जेक्ट जैसे मॉरिस मैनो, वहां पर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर डिजिटल। इन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आपको भी लगेगा टेस्ट सीरीज दिए थे और अच्छा, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अब यहां से बनते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोवेव की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उन्हें देखिए। और कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, सर माइक्रोवेव की क्लासेस और लाइए, मैंने बताया आपको माइक्रोवेव की ऑलरेडी 6 lectures अनअकैडमी प्लस पर अवेलेबल है, स्पेशल क्लासेस, वो सब टोटली फ्री है। अभी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और फटाफट एक ही दिन में आज पढ़ लीजिए, आपका माइक्रोवेव पूरा तैयार हो जाएगा, मैग्नेट्रॉन वगैरह सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के साथ आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो वहां मेरे साथ साथ नंबर ऑफ फैकल्टीज के आप वीडियोज देख सकते हैं। अब अगर आप गेट 2021 या इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 पर टारगेट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपको बिना देर किए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चंस बहुत होता है कि सर क्या क्या फैसिलिटीज होगी, क्या है वहां, कैसे चलती है क्लासेस। तो देखिए रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एक एडुकेटर के साथ, वो तो आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस है, क्विजेज है रेगुलर, राइट। इंडिया के जितने भी टॉप एडुकेटर्स है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उनके साथ आप घर बैठे लाइव इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप ऐसा नहीं है कि आप मेरी क्लासेस देख पा रहे, आप इलेक्ट्रिकल की जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट,
इंस्ट्रूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उन सबको देख पाएंगे, जनरल स्टडीज की क्लासेस, राइट, मैथ, एप्टीट्यूड, जो भी बेस्ट फैकल्टीज है उन सब की वीडियोस देख पाएंगे, राइट तो रियल टाइम इंट्रैक्शन वो भी घर बैठे, तो ये इनको आप लाइव एक्सपीरियंस कीजिए थ्रू स्पेशल क्लासेस और नॉट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल 24/7, डाउनलोडेबल वीडियोस, पीडीएफ्स, अनलिमिटेड क्विजेज हैं, आप देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप वहां पर क्विज दे सकते हैं, ठीक है ना, आप लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस देख सकते हैं, क्या है लैंग्वेज आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है, नॉर्मली क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, आपको क्वेश्चन समझना होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि क्या बोलना चाह रहा है, तो वो आप देखिए, देखिए यहां देखेंगे ना लैपटॉप पर तो आपको दिखाई देता है, एडुकेटर होते हैं यहां, यहां पर आप लाइव चैट करते हैं, यहां आपका कंटेंट आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं, हम रेगुलर उनको क्लास में उनके साथ लाइव चैट कर रहे हैं, राइट तो आप भी कीजिए। अब थोड़ा सा आपका रहता है सब्सक्रिप्शन के सर फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, तो वो ध्यान दीजिएगा, ईएससी और गेट अभी दोनों के फी स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की फी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 1 month के लिए है 5,000 rupees पर मंथ, फिर जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाते 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, तो फी में डिस्काउंट होता चला जाता है, जैसे 12 months के लिए अगर फीस देखेंगे इसके हिसाब से तो आपकी हो जाएगी 60,000 rupees, अगर आप हर महीने सब्सक्राइब करते हैं 5,000 तो आपको पड़ेगा 60,000, लेकिन वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट इज ओनली 25,000, उसके बाद ये तो हो गया डिस्काउंटेड सीधा 60 से, और इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं राठी लाइव RATHILIVE तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फी हो जाएगी 22,500। सिमिलरली अगर 2 year में देखें तो अगर आप 24 months into 5,000 करेंगे तो आपकी फी हो जाएगी 1,20,000। अगर आप हर महीने सब्सक्रिप्शन को क्या करते जाते हैं, रिन्यू कराते जाते हैं, क्योंकि आपको ये तो कंफर्म है आप रिन्यू कराएंगे क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है यहां पर, ठीक है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो जाती है फी ओनली 40,000 rupees, अगर आप एक साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं वन टाइम सब्सक्रिप्शन तो यहां सीधा हो जाएगा 40,000 rupees, तो यहां तो 80,000 का ये डिस्काउंट हो गया आपका, साथ में अगर आपने कोड यूज किया राठी लाइव तो 10% और डिस्काउंट, तो फी हो जाती है 36,000 ओनली, दिस इज फॉर 2 year। अब पर डे वाइज निकालोगे तो 50 rupees पर डे नहीं आ रहा है, ये मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप जस्ट बताए, इट इज नॉट फ्री एजुकेशन, इट इज अफोर्डेबल एजुकेशन, तो आप देख सकते हैं कोड यूज कीजिए राठी लाइव RATHILIVE एंड गेट द 10% डिस्काउंट, ये मैंने जो फी स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। देन अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप गेट या ईएससी, एक कंफ्यूजन और कि सर गेट में लेना है या ईएससी में, देखो जितनी भी टॉप फैकल्टीज हैं उनकी दो क्लासेस गेट वाले में भी अवेलेबल है और ईएससी में भी अवेलेबल है, लेकिन गेट प्योर टेक्निकल एग्जाम है, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज भी करना है और एक्स्ट्रा अगर आपको सब्जेक्ट्स भी करने हैं तो डेफिनेटली आपको ईएससी में सब्सक्राइब करना चाहिए, और अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि गेट और ईएससी दोनों की फीस अभी सेम है। और भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप टाइप्ड फॉर्म भरिए, वहां डिटेल लीजिए आप, देखिए ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, फिर 1 month टू 24 months सेम फी स्ट्रक्चर, राइट, अगेन यूज कीजिए कोड राठी लाइव RATHILIVE एंड गेट द 10% डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटर, होप सो आपसे आंसर बना होगा, तो बता सकते हो आपका आंसर क्या आया, ठीक है ना। तो चल भाई, मैंने अभी क्वेश्चन दिया था क्रिस्टल ऑसिलेटर पर सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, किस किन किन से ये क्वेश्चन बन गया, क्या आपको फॉर्मूला पता है, एंड व्हाट इज द सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पैरेलल रेजोनेंस, दोनों के बीच में क्रिस्टल ऑसिलेटर कैसा बिहेव करता है, वो सब हम बातें समझने वाले हैं। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हाईली स्टेबल ऑसिलेटर होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये भी तो बताना है क्यों होता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग समझने वाले हैं यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ रिवाइज करा दूं, आपको मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था, राइट, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा ताकि इससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। और यहां मैंने बताया था सी दिस इज आर,
this is C, this is R, this is C and this is R. तीन आरसी सर्किट हमने यूज किया, यहां इसे जोड़ा, ये ग्राउंड है राइट, और जब ये वीएफ वीआई के बराबर हो जाए, जब ये वीएफ किसके बराबर हो जाए, वीआई के बराबर हो जाए, देन बार क्वेश्चन क्राइटेरिया विल सेटिस्फाइड और ये सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा राइट। तो जिसमें मैंने बताया था ये जो है एम्पलीफायर है और वो है फीडबैक पाथ। एम्पलीफायर का काम है 180 डिग्री फेज शिफ्ट देना और फीडबैक का काम है 180 डिग्री फेज शिफ्ट देना और टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया 360 डिग्री। तो बार क्वेश्चन क्राइटेरिया के हिसाब से मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1 एंड द फेज शिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। जब सिस्टम घूमकर आ रहा है यहां से और ये है VI और यहां आया V नॉट, यहां आया VF और जब ये VF एग्जैक्टली इक्वल टू VI हो जाता है तब एक एम्पलीफायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑसिलेटर में। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटर में होना चाहिए देयर शुड बी अ आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। तो वी आर गेटिंग द आउटपुट विदाउट एनी इनपुट मींस यहां जो हम लोग समेशन लगाकर लगाते हैं इनपुट साइड, दिस इज द वीएस, दिस इज द वीएफ एंड दैट इज द फीडबैक बेसिक एम्पलीफायर ए और ये होता था फीडबैक इन केस ऑफ एम्पलीफायर। हमको यहां आउटपुट तब मिलता था जब हम क्या लगाते थे, वीएस, ये एक्सटर्नल इनपुट। लेकिन अब इस सर्किट में हमको मिलेगा विनाउट विदाउट ये विदाउट वीएस। तो यहां पर जो एक्सटर्नल इनपुट है ना वीएस वो जीरो है, ये जो एक्सटर्नल इनपुट है वो जीरो होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है कि विदाउट इनपुट देयर इज आउटपुट। वो तभी पॉसिबल है जब ये वीएफ एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाए वीआई मींस लूप गेन। लूप गेन का मतलब जब सिस्टम यहां से घूम के यहां तक वापस पहुंचता है दैट इज कॉल्ड लूप गेन। तो व्हाट इज द लूप गेन, ए बीटा भाई, वीएफ बाई वीआई और वीआई बाई वीएफ इज व्हाट, ए बीटा। तो ए बीटा का मॉड होना चाहिए एग्जैक्टली 1, मॉड ऑफ ए बीटा शुड बी एग्जैक्टली 1 एंड टोटल फेज शिफ्ट क्रॉस अ लूप शुड बी व्हाट, मल्टीपल ऑफ 2 पाई दैट इज 360 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक, ये अब बार क्वेश्चन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, ये दे रहा है बेसिक एम्पलीफायर है इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका फेज शिफ्ट है 180 डिग्री और रिमेनिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये दे रहा था तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया 360 डिग्री। अब क्या बोलते हैं कि जब 360 डिग्री दे रहा है, ये 180 दे रहा है, टोटल 360, तो यहां तीन आरसी सर्किट का यूज किया गया है तो अप्रोक्सीमेटली एक एक सर्किट, एक एक आरसी सर्किट का फेज शिफ्ट कितना देना है 60 डिग्री राइट। लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस और क्वाट सिविल सर्विसेज के लिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली एक एक सर्किट 60 डिग्री दे रहा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लोडिंग इफेक्ट भी आता है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे राइट। और भी क्वेश्चन है कि व्हाई साइनोसॉइडल सिग्नल, व्हाई नॉट अदर देन दैट, स्क्वायर वेव क्यों नहीं आ सकती इसमें, साइनोसॉइडल ही क्यों आ रहा है। ये जितने भी ऑसिलेटर हम पढ़ रहे हैं ना ये सब के सब साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है, चाहे आपको मैंने पढ़ाया हो विन ब्रिज ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ये आपके सामने है, चाहे आपको मैंने क्या बताया था पहले कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है राइट। लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ही ऐसा सिग्नल होता है जिसमें जब आरसी सर्किट से पास करते हैं तो उसके शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता, ओनली फेज चेंज होता है और वो एक ही सिग्नल है साइनोसॉइडल सिग्नल। अगर आप इस आरसी फेज शिफ्ट से, आरसी फेज शिफ्ट से अगर स्क्वायर वेव पास करेंगे ना तो उसका पूरा शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये सब हमने पढ़ा है लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में। लेकिन जब मैं सबको लिंक करूंगा, सबको लिंक करके पढ़ाना हो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वो होगी मेंस की क्लासेस के लिए। अभी हम लोग बिल्कुल फोकस कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए राइट, इंटरव्यू बोल रहा हूं मैं, अभी आप फोकस करें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लासेस के लिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू और मेंस के लिए थोड़ा तो डिटेल स्पेशल इफेक्ट तो डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा राइट।
तो क्यों होता है, साइनोसॉइडल क्यों है, एक एक एग्जैक्टली 60 नहीं दे रहा है तो फिर प्रैक्टिकली दे कितना रहा है, कैसे आप डेरिवेशन करते हो, कैसे ये फॉर्मूला आएगा, एंड सो ऑन। तब हमने देखा था इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है एफ नॉट, राइट, वन बाय ठीक है टू पाई, ध्यान दीजिएगा आरसी रूट सिक्स आया था, वन बाय टू पाई आरसी रूट सिक्स, दैट इज इन हर्ट्ज। एंड कंडीशन फॉर ऑसिलेशन आर एफ इज इक्वल टू 29 टाइम्स ऑफ व्हाट आर वन, ये इसका आर एफ इज इक्वल टू 29 टाइम्स ऑफ आर वन। ओके, अब सेम लॉजिक पर अब हम बनाते हैं एफईटी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर और आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग एफईटी। एफईटी इज ऑल्सो अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस में देखो ये आपको एफईटी दिख रहा है, राइट। अब जैसे क्या बना बनाया डायग्राम है ना, तो अब आपको समझ नहीं आता कि कैसे बना है, तो मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके देता हूं कैसा है ये। ये देखो ये एफईटी लगा हुआ है, यहां से हम आउटपुट लेते हैं, ये आउटपुट आपका फीडबैक में जा रहा है। तो आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां एफईटी को उल्टा लगा दिया गया, यहां से हम ले रहे हैं इनपुट, ये है वीडीडी, ये है आरडी, ये बाईपास कर दिया गया, ये डायग्राम बन गया, ये एसआरडी वीडीडी ये आरएस ये बाईपास। अब देखो आप थोड़ा समझ में आएगा, आपने यहां दिया इनपुट, यहां से लेते हैं आउटपुट, इधर लेते तो हमने इधर दिखा दिया, नो इश्यू। ये है आपका कौन सा सर्किट, अब आप बताइए, इट इज अ कॉमन सोर्स कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट। क्या है भाई, गेट में इनपुट दे रहे हैं, ड्रेन से आउटपुट ले रहे हैं, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, कॉमन सोर्स, देख रहे हैं आप, ये सोर्स है, आप आउटपुट किससे ले रहे हैं, ड्रेन से, इनपुट किससे दे रहे हैं, गेट से, तो ये सर्किट है कॉमन सोर्स। कॉमन सोर्स का फेस शिफ्ट होता है 180 डिग्री, क्या होता है कॉमन सोर्स का फेस शिफ्ट 180 डिग्री। अब बार क्वेश्चन क्राइटेरिया करना है तो 180 डिग्री रिमेनिंग फेस शिफ्ट कौन देगा, आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए हम लोग इसके आउटपुट को ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट है, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं इसका, ये आ गया दिस इज सी आर, सी आर, दिस इज सी एंड दिस इज आर, आर 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 सी सी सी, राइट। अब हमको रिमेनिंग 180 डिग्री फेस शिफ्ट चाहिए, जो 180 डिग्री फेस शिफ्ट, तो हमने यहां पे लगाया और इसे बाईपास किया। उसके बाद ये देखो यहां मुझे मिला वीएफ, ये हो गया फीडबैक नेटवर्क। अब इस फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट को लाकर आप कनेक्ट कर दीजिए यहां पर, यस, राइट। ये आ गया आपका सिस्टम, ये मैंने वापस लाया, यहां से जंपर लगाया और ये लगा दिया यहां, और जब वो वी एफ एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, वी आई के बराबर, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो बार क्वेश्चन क्राइटेरिया हो गया सेटिस्फाइड, हो गया बार क्वेश्चन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, एंड सर्किट बिहेव्स लाइक एन ऑसिलेटर। तो ये है, तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट देना इसका काम है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट देना उसका काम है। ओके, तो ये है आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग एफईटी। तो देखो कनेक्शन, इस कनेक्शन को देखो तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन नो डाउट ये यहां से आया, ये यहां कनेक्टेड है, ये लेकिन दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट देखिए, तीनों आरसी लग गया, अब हम इसकी बात करें तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एफ नॉट इज इक्वल टू पहला 1/2 पाई आरसी रूट 6। देखो कैसे आया क्या आया वो तो डेरिवेशन हमको करना होता है, वो तो 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एज इट इज डेरिवेशन आ जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे, मेंस के लिए तैयारी करेंगे हम लोग। तो ये 1/2 पाई आरसी रूट 6, और क्या बोलिए, आपको चाहिए कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ठीक है ना, ये आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन।
राइट। तो यहां जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है वो ध्यान रखिएगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू, ये क्या चीज है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट दिस एफईटी म्यू, ये होता है जीएम इंटू व्हाट आरडी, जीएम इंटू आरडी, जीएम ट्रांसकंडक्टेंस, आरडी इज द ड्रेन रेजिस्टेंस। याद है आपको स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ एफईटी, मॉडल ऑफ एफईटी, दिस इज द सोर्स गेट GMVGS, VGS, RD. That is the drain. This is the source. और यहां से एक स्मॉल करंट जाता है ID. This is called small signal model of what? FET. तो यहां जो ड्रेन रेजिस्टेंस है RD, यहां रहे हैं ट्रांसकंडक्टेंस और ये है गेट टू सोर्स वोल्टेज। देखो सब मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, हाई स्मॉल सिग्नल मॉडल, लीनियर मॉडल पूरा पढ़ते हैं हम लोग एफईटी वगैरह में। और ये आता है बिकॉज ऑफ अर्ली फैक्ट दैट इज कॉल्ड ड्रेन रेजिस्टेंस। और ये है एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू, जीएम आर डी, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा ये जीएम आर डी होना चाहिए, अगर आइडियल कंडीशन बोले, आइडियली म्यू शुड बी इक्वल टू 29, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो म्यू शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 29, स्लाइटली ग्रेटर देन 29। बार्क हुसैन के तीन क्राइटेरिया है, पहला मॉड ऑफ एबिटा शुड बी इक्वल टू 1, दूसरा फेस शिफ्ट, टोटल फेस शिफ्ट अराउंड अ लूप शुड बी व्हाट 360 डिग्री, ओके, और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है आपका प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, राइट। The mod of a beta should be slightly greater than 1 to control the circuit's internal losses, right? और वहां पर एक बहुत ही बढ़िया वर्ड यूज होता है, onset of non-linearity present in the system। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, ये क्या होती है आखिर onset of non-linearity present in the system? बड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, थोड़ा डिटेल पॉइंट है, लेकिन आप वर्ड यूज रखिएगा, onset of non-linearity present in the सिस्टम, ये जो चीज है उसको कंपनसेट करने के लिए मॉड ऑफ एबिटा को क्या रखा जाता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रखा जाता है। तो ऑनसेट ऑफ नॉन लिनियरिटी प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो वही सबसे आया है, आइडियली म्यू शुड बी इक्वल टू 29, प्रैक्टिकली म्यू शुड बी और स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 29, ठीक है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट। तो यहां भी हमने इस, अगर आप इसको और देखना चाहे तो यहां पर था 29, देखो इसके केस में कंडीशन चेंज हो गई, ठीक, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आरएफ एंड आर1, क्योंकि इसका गेन ही हो गया, व्हाट इज द गेन ऑफ द बेसिक, माइनस आरएफ बाय आर1, 180 डिग्री फेस शिफ्ट। ये इसका भी जो वोल्टेज गेन है एफईटी का भी वोल्टेज गेन नेगेटिव है क्योंकि कॉमन सोर्स है, तो 180 ये देगा 180 वो देगा, लेकिन जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है म्यू, दिट इज व्हाट म्यू एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ध्यान रखिएगा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ओके, ये होना चाहिए आपका 29, ठीक है। चलिए ये हुई बात एफईटी के क्वेश्चन, डायरेक्ट आएंगे, आपको ध्यान देना होगा, राइट, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखिए और कंडीशन याद रखिए। एक और आता है कि आपका इसमें फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा है, फीडबैक मैकेनिज्म, तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिक जो एम्पलीफायर है ये यहां, राइट, ये है एफईटी, सैंपल आप क्या कर रहे हो बाहर वी नॉट, इनपुट में आप क्या लगा रहे हो वोल्टेज, यहां से आपने वोल्टेज को सैंपल किया आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क के पास किया और वापस यहां पर किसमें कन्वर्ट कर दिया, वीएफ में। अब आपने देखो सैंपल क्या किया वोल्टेज, मिक्स क्या किया वोल्टेज, तो व्हाट इज द बेसिक फीडबैक मैकेनिज्म, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ये अभी आपको डाउट आएगा सर कैसे आ गया, आप कमेंट्स दे सकते हो कैसे आ गया, क्या आ गया,
ठीक है ना, आप भी बता सकते हो सैंपल क्या क्या वोल्टेज, मिक्स क्या क्या वोल्टेज, और मिक्सिंग किसमें होती है, किसमें होती है वोल्टेज की मिक्सिंग, सीरीज में, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या इसरो में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से बोलेगा कौन कौन से राइट है। तो आपको पहला बोलेगा द मोबिलिटी, सॉरी एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, राइट और रॉन्ग, राइट। दूसरा द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय 1/2 πRC√6, राइट और रॉन्ग, राइट। द फीडबैक मैकेनिज्म इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, राइट राइट। ये कौन सा ऑसिलेटर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी, इट इज अ ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब ये लेस देन 20 हर्ट्ज टू व्हाट, 20 किलो हर्ट्ज के लिए यूज होता है, राइट ये। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो चार हो गए, ठीक है ना, चार पॉइंट्स हो गए आपके पास, राइट। म्यू की वैल्यू 29, वोल्टेज सीरीज फीडबैक हो गया आपका, और आपका कौन सा एफईटी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, आप देखिए कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, 1/2 πRC√6, और आ गई बात ऑडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू व्हाट, 20 किलो हर्ट्ज। क्या ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आता है एसर्शन एंड रीजन में। आप इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर वेरी करने की कोशिश करेंगे ना तो कर सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है, आर एंड सी पर, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड है, आर और सी पर। तो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड सी वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, बट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई डिफिकल्ट, अरे भाई आर और सी की वैल्यू तीनों पॉइंट पर सेम होनी चाहिए तब जाकर यह फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तब सेटिस्फाई होगा जब आर सी आर सी आर सी तीनों जगह इक्वल होगा। अब अगर आपने एक को भी चेंज किया तो तीनों पॉइंट पे आपको चेंज करने होंगे, ठीक है ना। जैसे ये 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ, अगर आपने इसे 2 kΩ किया तो यहां भी 2 kΩ होना चाहिए, यहां भी 2 kΩ होना चाहिए। एक पॉइंट पर चेंज करना इजी होता है, तीन तीन पॉइंट पर चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए इट इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टाइप ऑसिलेटर। मतलब एक अगर फ्रीक्वेंसी पर आपने सेट कर दिया तो उसी फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट करता रहेगा, राइट। ये है क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए ये था एफईटी के बारे में, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यस, नाउ बीजेटी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर, ये है बीजेटी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर। आपके सामने फिर से एक डायग्राम दिख रहा है, हो रहा है क्लियर, बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंस है। FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस थी और BJT करंट कंट्रोल डिवाइस है। FET में हमने जब फीडबैक लिया था तो वापस हमने क्या लगाया, वोल्टेज को सैंपल करके वोल्टेज लगाया, लेकिन यही बात जब BJT की आती है ना तो हम वोल्टेज तो सैंपल करेंगे लेकिन जब वापस इनपुट में आएंगे तो हमें वोल्टेज नहीं क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो ये है डायग्राम में डिफरेंस, राइट। तो आप देखते हैं, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डायग्राम याद नहीं होता, समझ नहीं आता कई बार, तो ये देखिए डायग्राम, यहां पॉइंट देखिए, दिस इज द सी एस, दिस इज द आर एस, दैट इज द आउटपुट, और ये है आर सी वी सी सी। यहां आपने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया, दिस इज द नॉर्मल सर्किट फॉर दिस बीजेटी, ये सभी जानते हैं इसे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट, आर सी फेस शिफ्ट, तो बना रहे हम ऑसिलेटर। What is the name of this circuit? RC phase shift oscillator तो complete circuit है, audio frequency amplifier है और इसका नाम है RC coupled amplifier। तो ये देखिए यहां पर RC coupled amplifier हमने लगाया हुआ है और ये bypass किया हुआ है CDS and so on। अब ये दे रहा है 180 degree phase shift, why? कौन सा configuration है, common emitter, common collector और common base, 30 seconds quick response, common emitter, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, आप बेस से इनपुट देंगे, एमिटर से आउटपुट ले रहे हैं, सॉरी कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, बेस से इनपुट दे रहे हैं, इसको आपने बाईपास कर दिया तो डेफिनेटली ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का फेस शिफ्ट होता है 180 डिग्री। अब
रिमेनिंग 180 डिग्री फेस शिफ्ट देने की ड्यूटी किसकी है? आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर। तो देखिए कैसे कनेक्शन कैसे लगा हुआ है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। दिस इज सी, दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज आर, और यहां देखिए ये जो सी है यहां आया और यहां से ये बाईपास कर गया। देखिएगा ये हमने ले आया यहां, जंपर लगाओ यहां और ये यहां से कनेक्टेड है, राइट। तो ये है डायग्राम, यहां देखिए ये सी, दिस इज आर थ्री और आर थ्री के सू ये कनेक्टेड है, ये यहां से जो करंट जा रहा है वो आई एफ है। तो देखो अब आप इस डायग्राम को समझ पाएंगे, तो इसको अगर मैं बनाता हूं तो यहां ध्यान देना ये बेसिक एम्पलीफायर हो गया, यहां आपने सैंपल किया है वोल्टेज, बीटा नेटवर्क लगाया है, यहां जो अंदर जा रहा है वो आई आई है, तो यहां से भी सैंपल होके क्या आना चाहिए, आई एफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई एफ आना चाहिए, राइट। तो यहां पर सैंपलिंग दो वोल्टेज की हो रही है लेकिन मिक्सिंग किसकी है, करंट की मिक्सिंग है। ये जो फीडबैक में आ रहा है ना वो करंट की मिक्सिंग है, क्योंकि इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। अब करंट कंट्रोल डिवाइस है तो आउटपुट में आपने वोल्टेज सैंपल किया, इनपुट में मिक्स करंट किया है, तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, वोल्टेज शंट फीडबैक। तो इसके अंदर पहला तो फीडबैक मैकेनिज्म चेंज हो गया, इसके अंदर है वोल्टेज शंट फीडबैक। ये आपको क्वेश्चन आएगा, आपको डायग्राम दे देगा, इनके लिए कौन कौन से पॉइंट सही है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो 180 डिग्री देगा, आरसी फेस शिफ्ट 180 डिग्री देगा ताकि बार क्वेश्चन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। तीसरा पॉइंट वोल्टेज शंट फीडबैक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन फॉर ऑसिलेशन क्या है। हमें मालूम है बार क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या है, फेस शिफ्ट, टोटल फेस शिफ्ट अराउंड द लूप शुड बी मल्टीपल ऑफ 2π, और जब इसको सेटिस्फाई करना होता है तो बीटा जो हम निकालते हैं एक्स प्लस जे वाई, बीटा कभी भी सबसे पहले किसी भी डायग्राम में बीटा निकालो, वी एफ बाई वी नॉट। अगर आपको ऑसिलेटर के कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले बीटा निकालिए, दैट इज द वी एफ बाई वी नॉट, और उसके इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दो, इक्वेट कर दो जीरो से, यस। और जैसे ही आप इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करोगे जीरो से तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का यह फॉर्मूला आएगा, 1/2πRC रूट ओवर 6+4K, वेयर K इज इक्वल टू आरसी बाई आर। वॉट इज आरसी, ये है आरसी, ये है आरसी लोड, राइट। और R जो हमने आरसी का कॉम्बिनेशन बनाया तो आरसी बाई आर, यहां पर K की वैल्यू यूज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद वॉट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, तो जैसे FET का होता है ना फिगर ऑफ मेरिट म्यू, यहां पर BJT के लिए होता है HFE, राइट। यहां भी बीटा यूज कर सकते थे, कंफ्यूजन आ जाएगा, ये बीटा वो बीटा, HFE, दैट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट करेंट गेन, राइट। कॉमन एमिटर शॉर्ट सर्किट करेंट गेन ऑफ व्हाट, BJT, दैट इज नथिंग बट HFE, राइट। तो ये HFE है और इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन, इक्वल टू फॉर आइडियल कंडीशन, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था ना, तो वही है म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, तो यहां भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, 4K प्लस 23 प्लस 29 बाई के, ये यहां है कंडीशन, 4K प्लस 23 प्लस 29 बाई के, और K की वैल्यू याद रखिएगा RC बाई R, राइट। अब K तो वेरिएबल है, तो क्या है इसमें कंडीशन, अगर आप और देखें कि भाई HFE ठीक है ये तो होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ HFE, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू के, तो आप निकालिए DHFE by DK, इसको डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेट कर दीजिए जीरो से, तो K की वैल्यू आएगी नियरली इक्वल टू 2.7, और वापस उस 2.7 को यहां रख दीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ व्हाट, HFE मिनिमम। चलिए अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HFE मिनिमम, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हैं HFE मिनिमम, राइट। जवाब दीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है, 2.7 की वैल्यू है, आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं 30 सेकेंड्स। मैंने हमेशा कहा है कैलकुलेटर और पेन लेकर बैठिए, तो
आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी फटाफट, राइट। कितना आ रहा है भाई आंसर? 44.54। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये फिगर आपको याद होना चाहिए। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, 2.7 रख दीजिए, राइट। अब इतना मिनिमम अगर एचएफई है तब तो ये बीजेटी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता। एक बीजेटी का मिनिमम एचएफई इतना तो होना ही चाहिए, एक एफईटी का मिनिमम म्यू 29 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो एफईटी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में यूज नहीं हो सकता। ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एसआरसन और रीजन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, थोड़ा सा अगर आपको क्रैक करना है तो नॉर्मल क्वेश्चन तो सबसे बनेंगे, नॉर्मल तो सब बनाएंगे। देखो मैं मैंने कहा था गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक अंतर है, गेट में क्या होता है ना 65 क्वेश्चंस है और पूरे के पूरे न्यूमेरिकल है, और अगर किसी को ठीक से नहीं आता तो बोर हो जाता है, 3 घंटे में बनता ही नहीं, राइट। जो नए नए लड़के हैं ना, जो पहली बार दे रहे हैं, जिनको नहीं पता है कुछ भी क्या है, तो वो टाइम पास ही नहीं होता कैसे बनाना है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई भी जाए, थोड़ा भी पढ़ के जाएगा ना, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 65 और 150 में कितने गुने का अंतर है आप ही देख लो, ठीक है ना। अब उतने क्वेश्चन में वो खेल रहा है तो उसके 3 घंटे कब पार हो गए पता नहीं चलेगा, लेकिन सेलेक्ट वो होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन को बनाकर आता है, मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट। ये सब बातें आपको बतानी चाहिए और आनी चाहिए, ये आपके टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। एसर्शन एंड व्हाट रीजन है, तो क्यों है, क्यों ऐसा हुआ, करंट कंट्रोल डिवाइस है तो ये है, राइट। इसमें फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा है एंड सो ऑन, और पॉइंट फटाफट देख के आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट सही है या गलत है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, पूरा डेरिवेशन होता है, 20 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बस रट लिया आपने बना लिया, 20 मार्क्स का डेरिवेशन है डेफिनेटली, वो भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है, एल आर और सी, दैट इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये है क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, राइट। यहां पर लगा हुआ है एनोड, ये लगा हुआ है कैथोड, ये डायलैक्ट्रिक मटेरियल होता है, राइट। इट वर्क्स ऑन व्हाट, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम क्रिस्टल के अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है इट इज हाईली स्टेबल, राइट। तो ये होता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस। जब क्रिस्टल को हम प्रेस करते हैं तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक वोल्टेज डेवलप होता है, और जब हम उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप मेजरमेंट में पढ़ते हो, और इसका जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये आपका डायग्राम आता है एल आर सी, एल आर और व्हाट सी। अब पॉइंट देखो, एल क्या है, अगर आप एक क्रिस्टल को देखते हैं तो क्रिस्टल का क्या होता है, मास होता है, उस मास को रिप्रेजेंट करता है ये एल, राइट। अब आप देखिए इंटरनल लॉसेस भी होगा, क्रिस्टल है तो विस्कस डैम्पिंग भी होगी, डेफिनेटली लॉसेस है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आर, विस्कस डैम्पिंग को, और कंप्लाइंसेस भी होते हैं, दैट इज 1/स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और 1/स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है व्हाट, सी, ठीक है ना। तो L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहां, मास, राइट। C आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, दैट इज कंप्लाइंसेस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विस्कस डैम्पिंग और इंटरनल लॉसेस, इंटरनल व्हाट, लॉसेस, इज इट क्लियर। आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये फिर सीडेस क्या चीज है, व्हाट इज द सीडेस, भाई आपका भी ध्यान वही जा रहा होगा, अगर मैं नहीं बताता तो आप जरूर पूछते, व्हाट इज द सीडेस, क्या है, जब आपने ये एनोड और कैथोड लगाया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो बीच में लगा हुआ है क्रिस्टल, और क्रिस्टल एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसके अक्रॉस डेवलप हुआ, कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, बीच में डायलैक्ट्रिक मटेरियल,
तो डेफिनेटली वहां क्या डेवलप हो जाएगा, कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू है सी डेस। और इसकी जो वैल्यू आती है सी डेस, दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस सी। दिस इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दिस सी, ठीक है ना। सबकी टिपिकल वैल्यूज होती हैं, सब है वो, हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है, तो ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए बस। आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये सी डेस यहाँ क्या कर रहा है, एल का क्या रोल है, आर का क्या रोल है, सी का क्या रोल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी डेस एंड सी। तो ये हो गया। अब ये जो डायग्राम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये है क्या, मैं वो आपको समझा देता हूं। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज अ हाईली स्टेबल ऑसिलेटर। जिस फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है ना, वो दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। याद है माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8085 में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो 8085 की क्लॉक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, वो हम लोग लगाते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर की, याद है ना। और अगर आपको 5 MHz चाहिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको जनरेट करना होता है 10 MHz। वाई, क्योंकि इंटरनली वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। तो अगर रिक्वायरमेंट 5 MHz की है, तो आपको डेवलप करना होता है 10 MHz, और हाईली स्टेबल क्लॉक क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। कई जगह आप देखोगे क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज। तो ये है, तो इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहां हाईली स्टेबल है, बाकी आपको मैंने बताया, और बड़ी बात है दो फ्रीक्वेंसी है यहां, ध्यान देना। एक है सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस हमेशा याद रखिएगा, मैंने नेटवर्क में भी आपको बताया है क्या सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है, इंपीडेंस मिनिमम, राइट। और अगर आर जीरो है तो आइडियली जीरो, इंपीडेंस मिनिमम। तो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब है आर एल एंड सी, दिस आर एल एंड सी आर इन सीरीज। तो आपका फॉर्मूला आता है 1/2π√LC, 1/2π√LC, जो भी आपको एल और सी की वैल्यू दी हुई है। फिर सेकेंड होती है पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस, एफ एस इज इक्वल टू 1/2π√LC इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं एफ पी। एफ पी मीन्स व्हाट, पैरेलल रेजोनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी एट विच इंपीडेंस इज मैक्सिमम, और आइडियली इट शुड बी व्हाट, इनफाइनाइट। आइडियली इट शुड बी व्हाट, इनफाइनाइट। तो आप इसका इंपीडेंस निकालिए, आप आइडियल कंडीशन लेना चाहते हो तो आर को जीरो कर दीजिए और इसका इंपीडेंस निकालिए, और दो फ्रीक्वेंसी निकालिए, एक जिस पर इंपीडेंस जीरो हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। और एक इंपीडेंस निकालिए जिस पर आपका ये इंपीडेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, वो आएगी पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं देखता हूं कितने लोग सॉल्व करते हैं, कई बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस में असाइनमेंट दिया हुआ है, कोई भी बच्चा जाके ये नहीं करेगा कि मैंने जो हिंट बताया अभी, आप सॉल्व करके आप भेज सकते हो मुझे, हमारी टीम में भेज सकते हो। आर को जीरो कीजिए, एल और सी इन सीरीज, सी डैस इसका इंपीडेंस निकालिए, राइट। और इंपीडेंस निकालने के बाद दो काम कीजिए, एक इंपीडेंस को जीरो करके निकालिए सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और फिर इंपीडेंस को इनफाइनाइट करके निकालिए पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है इंपीडेंस मिनिमम, और पैरेलल रेजोनेंस का मतलब होता है इंपीडेंस मैक्सिमम, ओके। तो ये दो बातें आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा, ये है। हो गया, यस। नाउ अब एफ पी और एफ एस आ गया, या आप चाहो तो डब्ल्यू एस बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट 2π Fs, डब्ल्यू पी बोल सकते हो, इन 2π Fp, दैट इज नथिंग बट रेडियन पर सेकेंड, दिस इज इन हर्ट्स, ये हर्ट्स में है और ये रेडियन में पर सेकेंड। अब पॉइंट देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। यहां अगर ये एफ एस है, ये एफ एस ओमेगा एस है ये, और ये ओमेगा पी है, ये वाली लाइन जो दिख रही है ये ओमेगा पी है, ये ओमेगा एस है। ओमेगा पी और एफ पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा एस, तो साफ साफ दिख रहा है। तो
तो सी इक्विवेलेंट क्या है? सी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश, सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश. व्हाट इज द सी? ये है सी. व्हाट इज द सी डैश? ये है सी डैश. राइट, सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश. तो हमेशा ये भाई सी इक्विवेलेंट तो सी से कम आएगा, और जब सी से कम आ रहा है डिनोमिनेटर, तो सी इक्विवेलेंट इज लेस देन सी, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर कम हुआ है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. एंड दैट्स व्हाई डब्ल्यू पी इज लेस ग्रेटर देन ओमेगा पी इज लेस ग्रेटर देन ओमेगा एस, और एफ पी इज ग्रेटर देन एफ एस. लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत ही कम, आस पास होंगे बिल्कुल. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना सी डैश इज वेरी हाई एज कंपेयर टू वॉट सी, वेरी वेरी ग्रेटर देन सी. दोनों पी को भरा दो लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है. राइट, तो सी डैश और जब ये सी बहुत ज्यादा अंतर है, तो जब भी आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे ये वाला, तो नियरली इक्वल टू सी आ जाता है. इसलिए ओमेगा एस और ओमेगा पी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही आसपास है. अभी आप एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी. अब यहां देखिए, अगर इसके इधर देखते हैं ओमेगा एस और ओमेगा पी के, ओमेगा एस के नीचे, क्योंकि ओमेगा एस कम है ओमेगा पी ज्यादा है, तो ये देखिए दोनों, अगर आप ओमेगा एस के इधर देखते लेफ्ट साइड, तो ये आपका कैपेसिटिव नेचर हो जाएगा, इसका पूरे सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है. अगर आप ओमेगा पी के उधर भी देखते तब भी कैपेसिटिव है. तो ओमेगा एस और ओमेगा बी के बीच में क्या है, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो है इंडक्टिव. ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, बिटवीन ओमेगा एस एंड ओमेगा पी, ओमेगा पी इट इज इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव. अब हार्टले ऑसिलेटर में जो दो इंडक्टर यूज हुए थे ना, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो उनमें से कोई एक को. किससे? क्रिस्टल ऑसिलेटर से. राइट, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस, इसे क्रिस्टल से रिप्लेस कर दीजिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करवाइए बिटवीन ओमेगा एस एंड व्हाट? ओमेगा पी. और द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एस एंड ओमेगा पी इज वेरी वेरी स्मॉल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन्हीं दो फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करती है. दैट्स व्हाई सर्किट इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल. ये है क्रिस्टल, दैट इज द इंपॉर्टेंस. तो आपको ध्यान देना है, ओमेगा एस के इधर कैपेसिटिव है, ओमेगा पी के उधर भी कैपेसिटिव है, ओमेगा एस और ओमेगा पी के बीच में क्या है, ये इंडक्टिव है. राइट, तो ये है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, हाईली स्टेबल सर्किट. देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस. और आप क्रिस्टल का जो इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं एल आर एंड सी, वहां से आप इसका निकाल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर, जैसा हम लोग सीरीज रेजोनेंस में निकालते थे. व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर? क्या है, होता है क्वालिटी फैक्टर क्यू. आपको रेजोनेंस में मैंने पूरा समझाया है, ओमेगा एल बाई आर और वन बाई ओमेगा आर सी. राइट, सेलेक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्यू. बैंडविड्थ F नॉट बाई क्यू. F नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी. जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा बैंडविड्थ उतनी कम होगी, और जितनी बैंडविड्थ कम होगी ऑसिलेटर उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है. तो इसका जो रीजन है ना ये स्टेबल होने का, एसर्शन और रीजन में आ जाएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हाईली स्टेबल बिकॉज द क्वालिटी फैक्टर इज वेरी वेरी हाई. ठीक है ना, तो ये चलिएगा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल ऑसिलेटर. डेरिवेशन तो मैं करवाऊंगा क्योंकि वो मेंस के लिए होता है, 15 टू 20 मार्क्स. बहुत सारी और भी बातें, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी इतना काफी. आप देखिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अब बताइए एग्जाम में आने के बाद पढ़ोगे या एग्जाम से पहले पढ़ लोगे, वो डिपेंड करता है आप पर. और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इतनी भी बातें पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कीजिए, अभी आपके हाथ में है बटन. ठीक है ना, आप लाइक करते जाइए तभी हमको पता चलेगा, नहीं तो फिर ये वीडियोस हम कैसे मोटिवेटेड रहेंगे कि बात सही जा रही है या गलत जा रही है. तो देखिए ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर. देखो ऐसे डायग्राम आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये हार्टले ऑसिलेटर है. अब कैसे हार्टले ऑसिलेटर है वो तो आपको देखना होगा. हार्टले ऑसिलेटर में दो इंडक्टर यूज होते हैं और एक कैपेसिटर यूज होता है. राइट, तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होता है, जो फीडबैक पाथ था ये, और यहां यूज होता है कैपेसिटर. ओके, और ये है पॉइंट ग्राउंड, यहां पर लगता है वी नॉट और यहां से लगता है वी एफ, और यही वी एफ जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, इनपुट से, वो चाहे मॉस्फेट का हो चाहे बीजेटी का हो, सेम सर्किट है ये. राइट, उसमें एक इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस कर दिया गया है ये.
राइट। और जब आप इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस कर देते हो तो ये देखिए ये L2 है, ये L1 है और ये C है, राइट। और किस फ्रीक्वेंसी के बीच में रखते हो आप? ओमेगा एस एंड ओमेगा पी के बीच में। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमेशा इनके बीच में लाई करती है और हाईली स्टेबल होती है। तो ये है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा कोई भी डायग्राम दिखाई दे या क्रिस्टल ऑसिलेटर दिखाई दे रहा है और क्रिस्टल ऑसिलेटर का मैं अभी डेटा देता हूं, उससे आप ओमेगा एस और ओमेगा पी निकाल लीजिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव इसका कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसके बीच में लाई करेगी, तो आप बस ये निकालिए और सीधा आंसर बता दीजिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये है जैसे क्वेश्चन, फटाफट बना लें। अ क्रिस्टल हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स, एल की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, देखिए सी यही है, सी ये है सी, और सी डैश दिया हुआ है 1 पिको फेराड, देख रहे हैं आप 1 पिको। आप बोलोगे सर 1 पिको फेराड भी तो कम है, अरे एक बात बताओ, ये लाइन बड़ी है या छोटी है, लाइन बड़ी है या छोटी है, नहीं बता सकते, कंपेरेटिव टर्म है ना भाई। अब ये लाइन है इसके सामने तो बड़ी है ना, ये 1 पिको फेराड है, और ये दूसरा वाला कैपेसिटर है वो 0.065 है, 0.065 पिको फेराड ओनली, ये है सी, ये है सी डैश, बहुत बड़ा है, सी डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, राइट। आर की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी है, फाइंड द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आप फटाफट सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, राइट। एफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी, तो 1/2 पाई रूट ओवर 0.33 इंटू 0.065 इंटू 10^-12। अब आपने इसकी वैल्यू रखी और आपको एफ एस मिल जाएगा इन हर्ट्स। अगर आपको रेडियन पर सेकंड में पूछा है तो आप रेडियन पर सेकंड में आप इसको ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा बी केयरफुल रहिएगा, राइट। और अगर इसको हर्ट्स में पूछा है तो यहां आता है 1.08 × 10^6 हर्ट्स, दैट इज 1.08 MHz, यह है सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई रूट ओवर एल सी इक्विवेलेंट, क्यों क्वेश्चन में पूछा है, बाय व्हाट परसेंट डज द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सीड द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कितने परसेंट से एक्सीड करेगी, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, राइट। आप सी इक्विवेलेंट बता सकते हैं, सी इक्विवेलेंट सी सी डैश अपॉन सी प्लस सी डैश, दैट इज भाई क्या है इक्विवेलेंट, 0.065 × 1/0.065+1। अब देखिए, अब आप इसे निकालेंगे ना तो ये आता है 0.061 पिको फेराड, क्या है ज्यादा अंतर, क्यों नहीं आया इतना अंतर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, सी डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट सी, तो नियरली इक्वल टू आ गया सी। अब आप इसकी इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा एफ पी। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये आपका एफ एस है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट एफ पी। अब आप इस एफ पी के फॉर्मूले में सी की वैल्यू रख रहे हैं तो आपका एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा एल, एल की वैल्यू कितनी है 0.33, एफ पी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर 0.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंटू 0.061 × 10^-12 पिको फराड, राइट। तो ये है आपका -12, सॉल्व कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ एफ पी, राइट। तो आप इसे निकाल सकते हैं एफ पी, तो ये आपका एफ पी आया है 1.122 × 10^6 हर्ट्ज। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज कि कितना एक्सीड कर रहा है, तो एफ पी माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100%, एफ पी माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100%। आपके पास एफ पी है, आपके पास एफ एस है,
दोनों का परसेंटेज चेंज निकालिए तो अराउंड आएगा 3.29 के आसपास। यू कैन वेरीफाई, इट इज नॉट अ बिग डील। तो यहां देखो, ये आपके पास एफपी है, ये आपके पास एफएस है और आप उसका परसेंटेज वेरिएशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है गेट के लिए। फिर इसमें क्या पूछा है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द क्रिस्टल। तो यू कैन कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल बाई आर और व्हाट, 1/ωRC। तो वेरीफाई कर लीजिएगा और ये बनाइएगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो अभी टाइप फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी या मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए फॉर गेट 2021 या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए। राइट, सही डायरेक्शन होना जरूरी है, उसके बिना आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है। तो लाइक कीजिए वीडियो, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और यूज कीजिए माय कोड राठी लाइन एंड गेट द 10% डिस्काउंट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। लगे रहिए।